गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आपकी 5B एक्सरसाइज डिवीजन की एक्सरसाइज है। इसमें हम डिवाइड के सम करेंगे और उसके बाद उनको जो है चेक भी करेंगे कि हमने जो डिवाइड किया वो करेक्ट है या नहीं। तो चलो पहला सम देखते हैं, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो ये है 2926 डिवाइडेड बाय 9। तो डिवाइड करते हैं ये, तो 2926 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 थ्री जो 27, ठीक है, और 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहां पर ये आ जाएगा 2 और 9 2 जा 18, ये देख लीजिए, और यहां पर ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 चला जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से 6 नीचे आ जाएगा ये, और 9 5 जा 45 होता है ये, और कितना आ गया यहां पे ये 1, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये डिवाइजर है, ये क्वेशेंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिविडेंड है। तो फॉर्मूला होता है एक चेक करने का, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं अपने क्वेश्चन चेक करूंगा, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं चेक करूंगा। तो डिविडेंड कौन सा होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, ये डिविडेंड है, तो जाएगा 2926। हमें ये पता करना है कि जिसको हमने डिवाइड किया है क्या हमारा डिवाइजर क्वेश्चन का रिमाइंडर सही आया कि नहीं आया। तो डिवाइजर क्या है 9, मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या है 325, और प्लस रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है। तो अब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर देख लो 9 5 45, तो यहां पर आ जाएगा 45, 2 9 2 जा 18, और 18 और 2 कितना हो जाएगा 22, और ये आ जाएगा 9 3 जा 27 और 29, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 9 से 325 को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और प्लस 1 इसमें रिमाइंडर है और इज इक्वल टू, अब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये जाएगा 2926। इधर को 2926 हमारा राइट साइड आ गया, और लेफ्ट साइड में कितना है 2926, मींस इसमें क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू दिस, तो दिस मींस आवर डिवीजन इज करेक्ट, वी हैव चेक्ड वेरीफाई। हम इसको क्या कर चुके हैं, वेरीफाइड, हमने इसको वेरीफाइड कर दिया, दिस इज करेक्ट आंसर। दूसरा ये भी डिवीजन का वैसी है, इसको भी हम डिवाइड करते हैं, तो देखो डिवाइड करें इसको 7505 और इसको 25 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर कितने टाइम जाएगा ये 25 3 जा 75 होता है, और ये आया इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे हम जीरो को नीचे ले आते हैं, अब जब जीरो को हम नीचे ले आए तो जीरो तो 25 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए जीरो ऊपर लग जाएगा, ठीक। फिर हम किसको नीचे ले आएंगे 5 को, और फिर से क्या हो गया 0 5 होगा, अब भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर एक जीरो और ऊपर लग जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो है क्वेश्चन 300 आ गया, और ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है, तो हम इसका भी चेक करते हैं, सीधे सीधे हम चेक कर लेते हैं। देखो क्या हम क्या चेक करेंगे, डिविडेंड हमारे पास क्या है, ये अंदर वाला डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 25 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है 300 है, और प्लस रिमाइंडर कितना है 5 है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो जरा, 25 ने 3 को मल्टीप्लाई किया 75, ठीक, ये आया प्लस 5, आप इसमें इसको प्लस कर दो 7505, और यहां कितना है 7505, तो आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब है आवर डिवीजन इज करेक्ट। तो दिस इज द वे हाउ वी चेक आवर आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला।